जायसवाल प्रशिक्षक निशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सोसाइटी इंदौर मध्य प्रदेश से। आज हमारे यहाँ से वीरेंद्र का चयन हुआ है कस्टम एक्साइज एंड कस्टम विभाग में। ये सेंट्रल की जॉब होती है, एक बड़ी पोस्ट होती है जिसमें इनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि ये फिजिकल कहीं अन्यत्र नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनके पास इतनी फीस नहीं थी कि ये फिजिकल के लिए ये अफोर्ड कर सके। इसलिए मेरे पास आए और ट्रेनिंग हमारे यहाँ से लेने के बाद फाइनली इनका सिलेक्शन हो चुका है। मैं इनके बारे में जानना चाहूंगा कि ये किस तरह से सिलेक्शन लिए, किन किन चीजों पर विशेष ध्यान दिए। सबसे पहले तो वीरेंद्र आपको ढेर सारी बधाई हो जो आप इस मुकाम तक पहुंचे। उससे ज्यादा आपके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने बड़े संघर्ष के साथ आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। आपके माता पिता को नमन है कि जिस गरीबी से जूझते हुए आपको इस स्तर पर पहुंचाए, इसलिए उनको मैं दिल से सलूट करता हूं। सबसे पहले आप ये बताइए अपना परिचय इस कैमरे के माध्यम से, जिससे लोगों तक ये पता चले कि आप किस तरह से तैयारी करें और लोग किस तरह से तैयारी करें। सर को नमस्ते और जय हिंद जय भारत। मेरा सिलेक्शन 2021 MTS के थ्रू सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स में हुआ है और पोस्टिंग मुझे मुंबई मिली है। और परसों ही रात 10 बजे इस चीज़ का रिजल्ट आया और रिजल्ट में नाम देखने के बाद में ऐसे सारे दुख दर्द दूर हो गए। एक जो खुशी थी वो चरम लेवल पे पहुंच गई थी कि हाँ अब शायद कुछ जीवन में हासिल कर लिया है। और सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति की बात है तो हाँ ये सही बात है कि दिक्कत रही है। और इस बीच में जो भी समस्याएं आई हैं वो बहुत बड़े स्तर की थी, पर गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का सहयोग और मोटिवेशन जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ों ने मुझे एक आखिरी समय तक हिम्मत बना के रखी कि हाँ मुझे हर हाल में जीतना है। इस एग्ज़ाम में फिजिकल का तो इतना रोल नहीं था, पर मैं कहूँगा भले ही मुझे कुछ एग्ज़ामों में जिसमें फिजिकल का रोल था उन असफलताओं से मुझे यहाँ तक आने की सीख मिली। और इस एग्ज़ाम के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये SSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और इसमें भी लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम देते हैं, पर पद बहुत मुश्किल से 3000 या 4000 पद रहते हैं। और मैं इस एग्ज़ाम के बारे में एक विशेष बात बताऊँगा कि वर्ष 2004 में यह वैकेंसी आई थी, उसके बाद से सीधे वर्ष 2021 में वैकेंसी आई है, तो तकरीबन 20 साल के आसपास का अंतर इसमें रहा है। तो इसमें सिलेक्शन लेना तो एक उपलब्धि है, पर इस 20 साल के बाद आना एक बहुत बड़ी मेरे लिए एक अचीवमेंट रही है। और ये एक ऐसा विभाग जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, अभी भी इस चीज़ से शब्द से परिचय है नहीं। बाकी इस विभाग का ऐसा कहना है कि इस विभाग में ये भारत सरकार का एक ऐसा विभाग है जहाँ समुद्रों से, बंदरगाहों से, एयरपोर्ट से जितना भी सामान आता है उसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर रहती है, एक टॉप लेवल से लेकर तो नीचे तक। और इसमें हर तरह की चीज़ें आती हैं और इन्हीं चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो इस देश के संविधान में, जो इस देश में मतलब इंटर नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पर आप इसे अफीम, गांजा तस्कर, गोल्ड की स्मगलिंग, डायमंड्स, जैसा हम सुनते हैं कि कुछ लोग चश्मे की डंडी में उसको खोखला करके उसके अंदर हीरे रख के ले आए, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें पर बहुत बेशकीमती चीज़ें, कीमती जानवर, सांप, तोते, ऐसी ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं जो कि इस देश में नहीं लानी चाहिए। और इन सब चीज़ों को पकड़ने की जिम्मेदारी एक एक्साइज की होती है। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे चयन होने का अवसर मिला और मुंबई जैसा शहर मिला जिसे हम भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, किताबों में हम इस चीज को पढ़ते हैं। अच्छा वीरेंद्र, जैसे इसको तैयारी करना चाहे जो, तो किन किन सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए इनको? देखिए इसमें रिटेन के लिए जी 2021 में वैकेंसी आई थी, अभी 2022 में फॉर्म भर चुके हैं फिर से, पर अब पद वापस कम हो गए हैं क्योंकि अब शायद सरकार फिर से भरे ना, फिर से वैकेंसी अब आएगी नहीं। अब मात्र 500 या 600 पद आए हैं तक मुझे ध्यान है, तो कॉम्पिटिशन अब बहुत तगड़ा हो गया है। अब इस साल से SSC ने एग्जाम का पैटर्न भी चेंज कर दिया है, पहले मैथ्स, रीजनिंग, GS और इंग्लिश आती थी अभी भी आती है, पर अब रीजनिंग और मैथ्स को इन्होंने क्वालिफाइंग कर दिया है। अब सिर्फ GS जनरल नॉलेज और इंग्लिश, इन दो सब्जेक्ट के विषय के आधार पर मेरिट बनेगी। तो अगर कोई भी बच्चा जो इसको एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, अभी कुछ दिनों बाद ही उसकी एग्जाम शुरू होने वाली है,
तो इंग्लिश पे और जनरल नॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस उसे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर पहले इन चारों विषय को बराबर लेके चलना पड़ता था क्योंकि वो मेरिट डिसाइड करते थे, पर अब रीजनिंग और मैथ्स जो है वो क्वालिफाइंग नेचर हो गई, तो जो चीज क्वालिफाइंग है उसे क्वालिफाइंग की तरह तैयार करें, उसमें रिकॉर्ड बनाने की कोशिश ना करें, और जिस चीज से हमारी मेरिट बनेगी उसमें रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करें कि मैं जितना मैक्सिमम स्कोर एग्जाम में कर सकूंगा उतना अच्छा होगा। अब इसमें एक चीज और हो गई कि हमने जब दिया था तब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, अब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो गई है। 1/3 मतलब बहुत रिस्की काम हो गया है। 1/3 बचाना रेलवे में, बच्चों ने 1/3 को बचाना मतलब पसीने छूट गए हैं। मैं आपको इस बीच में एक चीज और बता दूं कि मेरा स्टेशन मास्टर में भी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद से सिलेक्शन हो गया है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। उसके बावजूद भी मैं नीचे की पोस्ट हायर कर रहा हूं क्योंकि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ ऐसा हो जिससे कि मुझे मेरे गुरुजन को, मेरे माता पिता को, मेरे कोच को एक एक एक, एक, एक फक्र महसूस हो कि ऐसा नहीं कि रेलवे विभाग छोटा है, बहुत बड़ा विभाग है, पर कस्टमर एक्साइज का नाम सुनते ही एक लोग के कान खड़े हो जाते हैं, एक आदमी अलर्टनेस से सुनता है कि हाँ ये कोई आदमी इसमें काम कर रहा है। तो मैं यही चीज बता रहा हूँ कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मेरी अगले मंडे को दौड़ है, और अभी एक वीक मेरे को सर के आना भी है, मेरी तैयारी है नहीं, पर मैं देने उसे जाऊंगा पूरा फुल। और इसके पहले मैं बता दूं आपको, SSC CPO 2019 में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है, और 2021 की भी मैंने 20 में भी दिया है, 21 भी दिया है, पर दुर्भाग्य से इस बार मैं 2021 में खैर फेल हो गया हूँ, तो इसी से मुझे दुख है। काफी दिनों से आप फिजिकल की तैयारी हमारे पास कर रहे हैं जी। आपका फिजिकल के बारे में, मेरे ग्रुप के बारे में किस तरह से तैयारी चलती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं कहूं या ना कहूं ये शायद सारा इंदौर जानता है, ये इतने सारे रिकॉर्ड जानते हैं कि इन्हें सर को सर पहचान के मोहताज नहीं, आप जहां चाहे वहां कर सकते हैं। हाँ हो सकता है कुछ जलने वाले लोग हों जो सर की पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं, पर वो कभी सामने आके नहीं कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि जब वो बोलेंगे तो इतने सारे ये प्रमाण है, ये सबूत यहाँ टंगे हुए हैं, ये जो इतने सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये सिलेक्शन है, ये कोई बताने की जरूरत नहीं कि मैं सर के बारे में कुछ बोलूँ, आप खुद आके देख सकते हैं। सुबह 4 बजे से बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, ठंड हो, रेनकोट पहन के दौड़ाया जाता है, पर छुट्टी कभी नहीं होती। बच्चे छुट्टी मार रहे हैं, हम छुट्टी मार रहे हैं, पर सर कभी छुट्टी नहीं मारते। 52 साल की उम्र में भी मैराथन निकालना, अभी भी ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित करना, ये शायद बच्चों के किसी एक आम कोच के हाँ मतलब संभव नहीं है। बहुत सारी जगह मैं नाम नहीं लूंगा, पर ऐसे ऐसे कोच हैं जो बस मतलब निकल गए हैं, बस बन गए, कोच बन गए हैं। और मैं बता दूं उनमें से 95% कोच कहीं ना कहीं सर के अंदर ही रहे हैं, मतलब सर के अंडर में ही उन्होंने ट्रेनिंग ली है। खैर मैं उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, पर आप जो भी यार ट्रेनिंग करना चाहता है इंदौर में आके, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो पहले इस चीज का विश्लेषण जरूर कर ले कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ क्या उसे इतना अनुभव है कि वो आपको उस सफलता के मुकाम तक पहुंचा पाएगा, क्या उसे इतना अनुभव है कि रनिंग के समय, रनिंग की तैयारी के दौरान क्या क्या इंजरी आती है, क्या क्या हमें चीजें ध्यान रखनी है रनिंग से पहले, रनिंग के बाद, ग्राउंड में, ये सारी चीजें अगर वो इतना अनुभव जानता है तो बेशक उन्हें जाइए, मैं मना नहीं करता हूँ। पर हाँ एक बार आप उस चीज के बारे में उसकी सत्यता की जरूर जांच कर लें। सिर्फ ये यूट्यूब के एक वीडियो से, छोटी सी रील से, जोर से जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद करने से आप उस चीज से अट्रैक्ट हो सकते हैं, पर एक बार उस चीज के बारे में जरूर देख लें कि क्या वो सही में भी उतना डिजर्व करते हैं ये चीज। और दूसरी चीज, लोग उन पैसे के पीछे भागते हैं, यहाँ तो फ्री में निःशुल्क आपको तैयारी की जाती है, बिना किसी स्वार्थ के, एक निस्वार्थ भावना से तैयारी करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। चाहे तो आज सर भी फीस ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और हर बच्चा देगा, पर जो रियल में जिस उद्देश्य से सर इतने सालों से इस ग्राउंड की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की जो सेवा कर रहे हैं, शायद उसमें कहीं ना कहीं गरीब जो एक मध्यम वर्ग के परिवार का जो बच्चा हो कहीं ना कहीं दब के रह सकता है, तो इसलिए आप उस चीज को जरूर ध्यान रखें। और इस चीज के लिए मैं हमेशा एक कृतज्ञ रहूंगा सर का, और सारे बच्चे ही रहेंगे कि निशुल्क जो एक तैयारी करवाते हैं वो बड़ी बात, वो एक छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से संघर्ष आपके माता पिता ने आपको, आपके लिए किया, इतना एक प्राइवेट जॉब के साथ में, और आपके लिए इंदौर जैसे शहर के रिटर्न की फीस किस तरह से अफोर्ड कर पाए, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे अपने माता पिता के लिए? देखिए माता पिता तो ऐसे हैं कि जिनके लिए कोई शब्द नहीं है, वो अथाह हैं, उनके माँ की ममता को, पिता के संघर्ष को कोई गहराई को नाप नहीं सकता है कोई भी। तो रही बात माता पिता की, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको अगर 2 साल लग रहे हैं, 4 साल लग रहे हैं, 5 साल लग रहे हैं, वो एक अलग बात है, पर तुम्हें एक इतना अंदर से भरोसा होना चाहिए कि हाँ
भले अभी 2 साल लग जाए 3 साल लग जाए, पर मैं अपने माता पिता के संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। भले जमाना कुछ भी बोले कि ये 2 साल से पढ़ रहे हैं 4 साल से पढ़ रहे हैं, इनका तो कुछ हो नहीं रहा है, क्या कर रहे हैं, टाइम पास तो नहीं कर रहे इंदौर में आके, जिससे मैं तो फिर इंदौर का स्थायी निवासी हूँ, तो इस तरह की चीजें भले बोले, पर आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहे। जब आप सुबह उठते हैं आईने में अपनी शक्ल देखते हैं तो हाँ तुम्हें रोज का लक्ष्य रहना चाहिए कि आज मुझे ये करना है, मैंने दिन भर बहुत मेहनत करना है, क्योंकि कल मुझे फिर खुद को खुद की शक्ल देखनी है आईने में और मैं अपनी खुद नजर आईने में मिला सकूं, इतना विश्वास होना चाहिए कि कल को कोई कुछ बोल दे तो बोले ठीक है बोल दे कोई दिक्कत नहीं। एक तेंदुए की तरह शिकार करना चाहिए, शेर की तरह नहीं, तैयारी उस वक्त का इंतजार करो, बगुले की तरह बिल्कुल ध्यान रखो कि अब जब शिकार आएगा तब उसका शिकार होकर रहेगा, बिल्कुल अपने तरकश में तीर तैयार रखें। भले कोई कुछ भी कह रहा आप उस चीज पे इतना ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि जमाना बोलता है, आप अच्छा भी करते हैं तो भी बोलता है, बुरा बोलते हैं तो भी बोलता है, कोई आदमी ज्यादा मोटा हो रहा है तो बहुत मोटा हो रहा है, कोई बोले पतला हो रहा है, तो आप इस चीज पे ध्यान ना दें, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें। कहने का मतलब मेरा यही है। नहीं, आप तो इस कॉन्फिडेंटली आप ये बोल रहे हैं, अक्सर देखा जा रहा है वीरेंद्र कि 50-60 साल की उम्र में जब माता पिता पहुंचते हैं तो एक उनका जो देख रेख का दायरा है बच्चों का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो मैं तो आपसे यही वीरेंद्र एक अपेक्षा रखूंगा कि मेरी गुरुदक्षिणा के रूप में कि अपने माता पिता को 50 साल के बाद सिर्फ गोली दवाई उनका हाल चाल पूछने तक दूर से ना रखें फोन से। आप बहुत बड़ी जॉब पे जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, दो वक्त साथ में उनके बिताएं, कम से कम उनके साथ दो वक्त का खाना खाएं, 2-4 घंटे साथ में रहें, उनके दुख सुख के लिए आप जितना नजदीक से उनके साथ रह सकते रहिएगा। क्योंकि मैं अक्सर देख रहा हूं कि एक 50-60 साल की उम्र के बाद एक जो पेरेंट्स होते हैं अपने माता पिता से दूर होते नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि गुरुदक्षिणा के रूप में आप हमें ये दे और मैं स्वीकार करूं, और जैसा कि मेरे जीवन का एक मकसद पूरा होता है नर सेवा नारायण सेवा के रूप में, और यह करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा। जो भी युवा पुलिस और सेना के लिए तैयारी करना चाहते हैं यहाँ आकर के अपना करियर बना सकते हैं और उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। एक बार पुनः वीरेंद्र आपको ढेर सारी बधाई हो, आपके माता पिता को नमन है जो संघर्षों के साथ आपको इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सभी को जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।